नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में सड़क निर्माण को लेकर जो कि एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बिहार में सड़कों की स्थिति को लेकर बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार के भी मंत्री तारीफ करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर लगातार कहते हैं कि बिहार के किसी भी जिले को से आपको राजधानी आने में 5 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान आप अपने ज़िले से राजधानी पटना आकर अपना काम करवा सकते हैं और वापस घर जा सकते हैं। इन्हीं सड़कों की खबरों के बीच में एक खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार में सड़कों के निर्माण को लेकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बिहार के रोहतास जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ भारतमाला योजना सड़क निर्माण परियोजना के तहत सड़क बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। आपको बता दें कि रोहतास के कोचस के पड़रिया से कैमूर जिला के मोहनिया तक 38 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण महज 98 घंटे में पूरा कर लिया गया है। यह एक बिहार के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। भारत सरकार के केंद्रीय भूतत्व परिवहन विभाग की तरफ से पहले 105 घंटे में 75 किलोमीटर रोड बनाने का 20वीं रिकॉर्ड बना चुका है। ऐसे में बिहार में आने वाले कुछ दिनों में एक और रिकॉर्ड बनने की बात कही जा रही है। बता दें कि इस सड़क का निर्माण अशोका बिल्ड काउंट लिमिटेड कर रही है। इस कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ने बताया कि नेशनल हाईवे संख्या 319, जिसमें 115 किलोमीटर तक निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें 2 फेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहले फेज में आरा के कोचस से पड़रिया तक 54 किलोमीटर तक सड़क बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ पड़रिया से कैमूर के मोहनिया तक 115 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण होना है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया जा रहा है कि तारकोल के कालीकरण के सड़क निर्माण कार्य का एक तरह से यह पूरे देश में यह एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बिहार में सड़क निर्माण को लेकर एक और नया रिकॉर्ड जुड़ने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में कई नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, जिसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश में लिंक पथ का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कि गाँव की सड़कें मेन सड़क से जुड़ सके और ग्रामीणों के इलाकों में किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। बिहार में बनने वाली एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड भी बनाया जा रहा है, यानी कि 2 तरह की सड़कें एक्सप्रेसवे में ही जो है ग्रीनफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वाराणसी से कोलकाता के बीच बनने वाली एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रांची से होते हुए जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल दूसरे से जुड़ सकेंगे, लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत शुरू कर दिया गया है, यानी कि इस परियोजना के तहत उस एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद से मुगलसराय, भवधाम, औरंगाबाद, सिरघाटी, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, पुरुलिया से हावड़ा के लिए उलेबेरिया तक आसानी से आया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद से खड़गपुर और रांची को लिंक सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसकी की लंबाई 85 किलोमीटर होगी। यानी कि इस एक्सप्रेसवे से रांची और खड़गपुर को भी जोड़ने की बात कही गई, ताकि लोगों को जो है और सुविधा मिल सके एक दूसरे से कनेक्टिंग होने में। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में कई नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण होना अभी बाकी है, जिसके बाद से एक तरह से कह लें कि बिहार में जो है सड़कों का जाल बिछना है। एक तरह से कह लें कि कई ऐसे उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के लिए सड़क है, जो कि गोरखपुर और पश्चिम बंगाल के बीच में जो है जोड़ेगी। उसका जो सबसे ज़्यादा लंबा भाग है वो बिहार से होकर गुजर रहा है, इसको भी ग्रीनफील्ड के तहत रखा गया है। तो ऐसे में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पे लगातार केंद्र सरकार जो है भारत में काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार की सड़कें और भी अच्छी होगी और रोज़गार को लेकर नए दरवाजे खुलेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त।